अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो कुवैत संग्रहालय से आ रही है। साथियों, वहां पे कुवैत में एक म्यूजियम है जहां से कुछ चीजें, वहां पे कलाकृति जिसे कहा जाता है, कुछ चीजें वहां से चोरी हो गई है। तो दोस्तों, ये नेशनल काउंसिल फॉर कल्चर आर्ट्स एंड जिसे NCCL कहा जाता है, वहां पे कुवैती के पुरावशेषों को संग्रहित वस्तुओं से कुछ रक्षा मंत्रालय द्वारा वहां पे दोस्तों वहां पे कैबिनेट की गई, जिसके बाद बताया गया है कि जो लोग भी इस चोरी में शामिल है इस पे खास एक मीटिंग बुलाई गई और इसके जो भी सामान को चोरी हुआ है, कैसे चोरी हुआ है, इसके बारे में पता लगाने के लिए। साथियों, अगली जो खबर दोस्तों आ रही है वो मानव तस्करी के लेकर आ रही है। साथियों, बताना चाहूंगा आपको, कुवैत में जो है वो मानव तस्करी बहुत ही ज्यादा किया जाता है। मतलब दोस्तों, फॉल्स वीजा को देकर वहां पे लोगों को बुलाया जाता है और सारा पैसा वहां पे उन लोगों को खा दिया था, वापस लास्ट में फिर उसे वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मानव तस्करी को लेकर वहां पे करीब करीब 585 लोग वहां पे इसका शिकार हो चुके हैं दोस्तों इस साल के अंदर। तो इसके लिए वहां दोस्तों वहां पे आपको पता है कि वहां पे इलीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो सभी लोगों को जब पकड़ा गया तो मालूम चला उसे गलत तरीके से बुलाया गया था, फॉल्स वीजा दे उसको फॉल्स तरीके बुलाया गया था और काम कहीं और का था, काम कहीं और करवाया जा रहा था। तो दोस्तों, निरीक्षण टीम के द्वारा निरीक्षण करते हुए दोस्तों 585 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। फिलहाल सभी को दोस्तों वहां पे डिपोर्ट किया जाएगा। अगली खबर साथियों आ रही डिपोर्टेशन के लिए आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वहां पे कुवैत में इलीगल लोगों का वहां पे कैंपेनिंग चल रही है। फरवानिया एरिया, अहमदी एरिया, चाहे कुवैत में कोई भी एरिया, वहां पे निरीक्षण का काम काफी तेजी से जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि कुवैत हुकूमत का कहना है कि करीब करीब 1,90,000 वहां पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि वहां पे इलीगल है। तो इसके लिए वहां बहुत सारे लोगों को वहां पे फाइन भी देना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, डिपोर्टेशन को इतनी ज्यादा देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक डिपोर्टेशन एक सेल बनाया जाएगा, यानी अलग से एक ऑफिस बनाया जाएगा, वहां से सिर्फ लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी कुवैत इंटरनेशनल ऑफिस पे वहां पे एक डिपोर्टेशन सेल बनाने वाला है ताकि लोगों को वहां से डिपोर्ट किया जा सके। अगली खबर साथियों बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों, बताना चाहूंगा, हजारों वहां पे एक्सपर्ट यानी प्रवासी लोगों को वहां पे लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस है। अब दोस्तों, रद्द इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुवैत हुकूमत ने पहले ही बता दिया था कि जो लोग भी अब कोई भी नियम का उल्लंघन करते तो उन लोगों को अब उन पे काफी सख्ती दिखाई जाएगी। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों को वहां पे ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं तेजी से या फिर कोई गाड़ी को जहां तहां खड़ी कर देते हैं, जिन पर फाइन कट चुका है वो लोग फाइन नहीं भर रहे हैं, या फिर कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का वॉलेशन यदि वो लोग करते पाए जाते तो उन लोगों का अब ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर साथियों जो आ रही, बताना चाहूंगा साथियों, वहां पे एक मेड के ऑफिस खोला गया था। गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि वहां पे एक मेड की ऑफिस खोला गया था जो कि फर्जी था, जिसके बाद जब निरीक्षण टीम वहां पे पहुंची तो मालूम चला कि वो फर्जी है और काफी दिनों से ये वहां पे ऑफिस को चला रहा था। हो क्या रहा था दोस्तों कि वो लोग वहां पे लोगों को बुलाता था, वीजा कहीं और का होता था, काम कहीं और पे करवाता था और ज्यादा पैसे के चक्कर में लोग जाते भी थे काम करने। तो उन सभी लोगों को पकड़ा गया और जो लोग ऑफिस खोल के बैठे थे दोस्तों, सभी पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, अगली जो अपडेट की आ रही दोस्तों, बताना चाहूंगा वहां पे बहनों को तीन भाइयों ने बंदी बनाकर रखा था। दोस्तों, बताना चाहूंगा वहां पे दो बहनों को वहां पे उसके तीन भाइयों ने बंदी बना के रखा था जेल के तरह काफी दिनों से, जिसके बाद वहां पे नौकरानी के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया गया, जिसके बाद सभी बंधक बहनों को छुड़ाया गया और तीनों भाइयों को दोस्तों वहां पे सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।